डेवलपमेंट विकास हुई है वो चौधरीलाल परिवार से ही हुई है, और किसी ने इस इलाके का काम नहीं करा। पहले रामचंद्र आए, कृष्ण आए, दूसरे आए, नहीं हुआ विकास। इससे पहले बागीराम रघु आते रहे, इस इलाके का काम हम ही करते हैं। जब भी कोई बने हैं, चाहे हम रोड़ी में बने, यहाँ बने, जब भी बने तो इलाके का विकास हुआ है। फिर हर गांव में मैं 40-40 लोगों को नाम से जानता हूँ, एक परिवार की तरह हो गया। दूसरा कोई नया कैंडिडेट आ रहा, कहीं तो कल एक कैंडिडेट घूम के गया था, उसे पहचानते नहीं, बोले अच्छा ये है वो, उसे जान ही नहीं रहे थे, लोगों को पता ही नहीं कौन है। तो अगर कोई छाता सैनिक उतर के आ जाए तो उसे कौन वोट देगा? वोट तो देंगे ना लिहाज को, प्रेम को, आपस की पहचान को। हर आदमी वोट देने से पहले गारंटी चाहता है कि कल कोई आदमी काम करेगा क्या। हमारे सब अभी जो इस हलके में, पूरे हलके में बहुत कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है, जलभराव से लोगों के मकान गिरे हैं, फसलें जलमग्न हुई है, लेकिन किसान आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप स्पेशल गिरदावरी करवाने के आदेश जारी करें तो खराबे का आंकलन हो सके। जहाँ बाकी खराबा हुआ है, जहाँ फसलें डूब गई, बिल्कुल जीरो हो गई, उस जगह सरकार मुआवजा देगी। हरियाणा गवर्नमेंट तो आज तक रिकॉर्ड है कि जितने स्टेट हैं पूरे देश में, उनमें जो मुआवजा देने में हम एक नंबर पे हैं। सब इस इलाके की सबसे बड़ी मांग है कि चक्का की खरीफ चैनल को एक्सटेंशन करके आगे इस इलाके में सैनपाल, कोठे, मंबड़, नथौर, बजेर की बात की जाए, तो ये बहुत बड़ी मांग है। इस पर आपकी क्या प्लानिंग है? इन लोगों को कब राहत मिल सकती है कि इनको भी घग्गर का पानी मिले? देखिए, पिछले 10 साल में मैंने अब तक, आप समझें कि 20 गाँव में तो ऑलरेडी पानी आ रहा है घग्गर का, जो मेरे आने के बाद घग्गर का पानी 20 गाँव में लगा है, और 12 गांव का अब सेंक्शन हो गया, जिसका बुधवार को टेंडर हो रहे हैं। इसी बुधवार को तो 32 गांव हो गए। पहले बाकी गांव में पहले पानी आ रहा था, ये 6-7 गांव है जो रह रहे हैं, इसको मैं अगली बार में इन्हें पूरा करवा दूंगा। मेरे नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं चौधरी रणजीत चौटाला। लगातार खुला दरबार लगाने के बाद जन सुनवाई कर रहे हैं, और आज रानिया विधानसभा के अलग अलग गाँव में जाकर वो जन समस्याओं की सुनवाई कर रहे हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा पर बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। चलो साहब, अभी रानिया विधानसभा में बहुत एक्शन मोड में आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव में भी करीब करीब 3 महीनों का वक्त बाकी रह गया है। किस तरीके का फीडबैक लोगों का मिल रहा है? आप समस्याएं सुन रहे हैं, खुला दरबार भी आपने लगाया, और आज रानिया में आप अपनों के बीच में हैं, क्या मंत्रणा? मेरा अपना हल्का है, मैं यहाँ 1987 से चुनाव लड़ रहा हूँ, और पिछली बार भी इन्होंने मुझे 25 हज़ार से जीता। इससे पहले एक चुनाव हुआ था जब नेहरा साहब को रहा, तब भी मैं 23,700 वोटों से जीता था। तो मुझे ये लगता है मेरे हलके में कोई दिक्कत नहीं। एक तरफा फिर भी वोटर वोटर होता है, उसके पास जाना पड़ता है, हर एक का कोई गिला शिकवा होता है, 5 साल का अपनी बात कहना चाहता है, हमें वो MLA बनाते हैं, हमें उनकी हर बात सुननी पड़ती है। तो सबसे एक फीडबैक मिल जाता है विकास का, खुले लोग सवाल भी कर लेते हैं, पूछते हैं, रिप्लाई करना पड़ता है। तो मैं इनमें आ रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत तसल्ली आपके सामने ही देखा है। यहाँ से एक तरफा इलेक्शन है। अभी कांग्रेस की अगर यहाँ से बात की जाए तो दर्जन भर नेता टिकटारती हैं, वो भी लगातार चुनावी कंपेन में जुटे हैं। चलो साहब, कितने आश्वस्त अपने आप को मानते हैं, क्योंकि आपने तो लगातार इस हलके के लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे घग्गर की बात हो, और करीब करीब 4.5 साल से लगातार आपने रिकॉर्ड तोड़ जो विकास इस इलाके का करवाया है, कितने आश्वस्त, कैसा मुकाबला, कितना रोचक, कितना चुनौतीपूर्ण देखते हैं इस बार? सरसा के लोग एक बात समझते हैं कि जितनी डेवलपमेंट विकास हुई है वो चौधरीलाल परिवार से ही हुई है, और किसी ने इस इलाके का काम नहीं करा। पहले रामचंद्र आए, कृष्ण आए, दूसरे आए, नहीं हुआ विकास। इससे पहले बागीराम रघु आते रहे, इस इलाके का काम हम ही करते हैं। जब भी कोई बने हैं, चाहे हम रोड़ी में बने, यहाँ बने, जब भी बने तो इलाके का विकास हुआ है। तो लोग इस बात से इस उम्मीद से देते हैं कि ये ठीक आदमी, एक कोई जितने आदमी बैठे, खुले में कह रहा हूँ, एक आदमी भी ये नहीं कह सकता करप्शन का एक पैसे का भी इल्ज़ाम नहीं है, कोई भी आदमी नहीं। बहुत इस बात का भी एक बहुत बड़ा आजकल लोगों में लाभ मिलता है। तो फिर हर गांव में मैं 40-40 लोगों को नाम से जानता हूँ, एक परिवार की तरह हो गया। दूसरा कोई नया कैंडिडेट आ रहा, कहीं तो कल एक कैंडिडेट घूम के गया था, उसे पहचानते ही नहीं, बोले अच्छा ये है वो, उसे जान ही नहीं रहे थे, लोगों को पता ही नहीं कौन है। तो अगर कोई छाता सैनिक उतर के आ जाए तो उसे कौन वोट देगा? वोट तो देंगे ना लिहाज को, प्रेम को, आपस की पहचान को। हर आदमी वोट देने से पहले गारंटी चाहता है कि कल कोई आदमी काम करेगा क्या। हमारे मामले में सबको तसल्ली है। चलो सर, बहुत क्लियर है आपके द्वारा कि आपने जिक्र किया था खुला दरबार में भी 300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से आपने काम करवाए हैं, लेकिन अभी आप मंबड़ में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को लेखा जोखा बता रहे हैं, तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत खुला और क्लियर है कि आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। आपको लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पर भी इस बार जनता आपको वोट दे, क्योंकि आपने सीधे तौर पर काम? डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, डेवलपमेंट और पब्लिक रिलेशन, ये दो चीज़ें बहुत होती है। लोगों के अगर आप 24 घंटे अवेलेबल हैं
और उनका काम कर रहे हैं तो फिर लोग आपसे अलग है ही नहीं, ये दोनों बातें प्राइमरी कंडीशन है। जो सब अभी जो इस हलके में पूरे हलके में बहुत कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है, जलभराव से लोगों के मकान गिरे हैं, फसलें जलमग्न हुई है, लेकिन किसान आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप स्पेशल गिरदावरी करवाने के आदेश जारी करें तो खराबे का आकलन हो सके। जहाँ बाकी खराबा हुआ है, जहाँ फसलें डूब गई बिल्कुल जीरो हो गई, उस जगह सरकार मुआवजा देगी। हरियाणा गवर्नमेंट तो आज तक रिकॉर्ड है कि जितने स्टेट हैं पूरे देश में उनमें जो मुआवजा देने में हम एक नंबर पर हैं, सबसे ज़्यादा मुआवजा हरियाणा देता है जो रिकॉर्ड है। जो सब अभी इस इलाके की सबसे बड़ी मांग है कि चक्का की खरीफ चैनल को एक्सटेंशन करके आगे इस इलाके में सैनपाल कोठे मंबड़ नथौर बजेर की बात की जाए, तो ये बहुत बड़ी मांग है, इस पर आपकी क्या प्लानिंग है, इन लोगों को कब राहत मिल सकती है कि इनको भी घग्गर का पानी मिले? देखिए पिछले 10 साल में मैंने अब तक आप समझे कि 20 गाँव में तो ऑलरेडी पानी आ रहा है घग्गर का, जो मेरे आने के बाद घग्गर का पानी 20 गाँव में लगा है और 12 गाँव का अब सेंक्शन हो गया जिसका बुधवार को टेंडर हो रहे हैं, इसी बुधवार को तो 32 गाँव हो गए। पहले बाकी गांव में पहले पानी आ रहा था, ये 6-7 गांव है जो रह रहे हैं, इसको मैं अगली बार में इन्हें पूरा करवा दूंगा। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई गांव नहीं रहेगा जिसे घग्गर का पानी मिलना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सब किसानों की सबसे बड़ी डिमांड है क्योंकि आपकी कैबिनेट ने फैसला किया कि अभी इस बार नए ट्यूबवेल कनेक्शन और एक्सटेंशन उनको भी दी जानी है लोड बढ़ाने की, तो कब तक वो सिलसिला शुरू होगा जब किसान अप्लाई कर सकेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन की? तो दे दी गई, बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि नए जो ट्यूबवेल कनेक्शन वो अब हम 21 वाले ख़त्म कर लें, अभी ख़त्म कर देंगे मैंने, उसके बाद फिर हम 23 तक का भी आगे देंगे, साथ के साथ दो हमारा SDO JEE जाके वेरीफिकेशन करेंगे ठीक मोटर लगी है, उसके बाद एक कनेक्शन दे देंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे सिरसा इलाके का है कि बिजली के पोल बहुत घटिया सामग्री के अभी जो लोडेड हुए बने हैं, तो वो सारे के सारे कंडम हैं, चाहे एच पोल की बात की जाए, जितनी भी बिजली की लाइनें ढाणियों को जाती है, गांव को जाती है, तो इस पर भी आपकी एक मॉक ड्रिल होनी चाहिए कि उन लोगों को राहत मिल सके। नहीं, हमारा देखिए बिजली का मामला जो है पूरे देश में सबसे बढ़िया, हम नंबर 2 पे आते हैं गुजरात के बाद। मुझे अभी पिछले दिनों राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिला कि हम नंबर 2 स्टेट हैं और सबसे बढ़िया हमारी पावर की परफॉर्मेंस है। पोल घटिया हो तो पावर कैसे चलेगी? देखिए मई और जून का जो महीना होता है उसमें आंधी आती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, बरसात होती है, अगर बरसात 40 उंगल हो जाएगी तो नीचे मिट्टी के जगह पोली हो जाएगी, हवा चलेगी तो खंभा टूटेगा, तो ऐसे तो ये नेचुरल इफेक्ट है, होता है पहाड़ भी टूटे हैं ना, तो ऐसे तो हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारी घटिया सामग्री नहीं, बिल्कुल ISI मार करके हम उन्हें चेक करके हमारे SC जाते हैं, सारी इंस्पेक्शन होने के बाद फिर खरीदे जाते हैं। हाई पावर परचेज कमेटी लेती है जिसमें CM भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, हमारे सारे फाइनेंस सेक्टर भी बैठते हैं, हमारे जितने MDs बैठते हैं, 50 लोगों के सामने वो लेके लिए जाते हैं, कहीं घटिया माल नहीं लिया जाता। आखिरी सवाल है, अभी आपने सरपंचों को बहुत बड़ी राहत दी है, लेकिन इसी जल भराव में अमृत सरोवर योजना ने बहुत बड़ा लोगों को मुश्किल में डाला है। अभी सरपंचों की ये मांग है कि उसकी जो बाकी की राशि बची है अगर वो सरपंचों के खाते में डाल दी जाए तो उसका बाकी का काम पूरा हो सकता है, क्योंकि ये टेंडरिंग से उनका काम पूरा नहीं हो पाया। देखो जो करा है, मेरे ख्याल में सब सरपंचों को बुला के इकट्ठी सम्मेलन खाना कटा था, बाद में भी उन्होंने सरपंचों ने सवाल करे, चीफ मिनिस्टर के सामने सब डिस्कस हो गए हुए हैं। इसके बाद भी संविधान में भी संशोधन हुआ करता है, अगर कोई बात सरपंचों के मन में नहीं है तो सरपंच जाके मिल लेंगे, अभी ये तो है नहीं कहीं होगी सरकार, ये भी रहेगी अगली सरकार भी BJP की है, अगर कहीं कोई पॉइंट पे क्लैरिटी है तो हो सकती है उसमें वो मिल ले जाके बात करें, हो जाएगा। अच्छा सब, अभी सिर्फ 3 महीने चुनाव के रह गए, तो अभी आगे गाँव में इस तरीके से आपका सिलसिला जारी रहेगा, आप जनसुनवाई कर रहे हैं लोगों के बीच में? 3 महीने लोगों में ही हूँ, बीच में कभी जाना आना पड़ेगा, जरूरी काम है, जैसे कल मैं ग्रीवेंसेज कमेटी की, कल मैं सोनीपत करके आया, कल सुबह मैं जाऊंगा महेंद्रगढ़ नारनौल, मेरे पे 2 जिले हैं, इसके बाद कैबिनेट मीटिंग है 12 की, वो भी करके आऊँगा, तो बीच में आना जाना भी पड़ता है, 11 को कुछ हमारी अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग है, उसके बाद आके फिर लग जाऊंगा, मतलब आप ये समझे कि हफ्ते में अब 2-3 दिन तो हल्के में लगेंगे। बेहद शुक्रिया सर, बात थैंक यू बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला, लगातार वो लोगों के बीच में जाकर समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका मौके पर समाधान करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किए उनका लेखा जोखा सीधे तौर पर लोगों को स्पष्ट और सरल तरीके से बता रहे हैं, अगर फिर भी कोई लोगों की डिमांड है तो उसको फौरी तौर पर पूरा करवाने का आश्वासन दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पनू, 23 हरियाणा, रानिया।